नेताजी सुभाष चंद्र बोस की आज जयंती है। देश इसे पराक्रम दिवस के रूप में मना रहा है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने नेताजी सुभाष चंद्र बोस को उनकी जयंती पर श्रद्धांजलि अर्पित की। उन्होंने राष्ट्रपति भवन में नेताजी के चित्र पर पुष्पांजलि अर्पित की। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने प्रधानमंत्री राष्ट्रीय बाल पुरस्कार विजेताओं से मुलाकात की। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने कल राजधानी दिल्ली के विज्ञान भवन में आयोजित एक कार्यक्रम में इन विजेताओं को पुरस्कार प्रदान किए। राष्ट्रीय स्तर के ये पुरस्कार 5 से 18 वर्ष के आयु वर्ग के बच्चों को बहादुरी, कला और संस्कृति, पर्यावरण, नवाचार, विज्ञान और प्रौद्योगिकी, सामाजिक सेवा और खेल जैसी श्रेणियों में उनकी उत्कृष्टता के लिए दिए जाते हैं। ये बच्चे 26 जनवरी 2024 को गणतंत्र दिवस परेड में भी भाग लेंगे। अयोध्या धाम के राम मंदिर में रामलला की मूर्ति में प्राण प्रतिष्ठा के बाद आज मंदिर को आम लोगों के लिए खोल दिया गया। आधी रात से दर्शन के लिए श्रद्धालुओं की भारी भीड़ उमड़ी है। मंदिर के पट खुलते ही लोग प्रभु के दर्शन के लिए आतुर हो गए। प्राण प्रतिष्ठा के बाद आज सुबह पहली बार मंदिर में आरती की गई। प्रभु श्री राम की नगरी में चारों तरफ केसरिया ध्वज फहरा रहे हैं। लोग पवित्र सरयू में डुबकी लगा रहे हैं और जय श्री राम का उद्घोष गूंज रहा है। करीब 500 साल के इंतजार के बाद नवनिर्मित भव्य और दिव्य श्री राम जन्मभूमि में कल दोपहर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की मौजूदगी में हुए प्राण प्रतिष्ठा समारोह के बाद की आज की पहली सुबह श्री राम जन्मभूमि के आसपास पांव रखने की जगह नहीं थी। ऐसा लग रहा है जैसे आस्था और विश्वास का संगम हो रहा हो। जैसे ही घड़ी का काटा दोपहर 2:30 पे आए, बबीता जी का दिल सास बहु साजिश के लिए मचल जाए। और ये है इनकी बहु, पूरे दिन ऑफिस की टेंशन हो जाए गॉन जब ये करें अपना फेवरेट शो फ्री टाइम पे ऑन। इनकी तरह आप भी देखें अपना फेवरेट शो अपने टाइम पर और डाउनलोड कीजिए एबीपी लाइव ऐप अपने स्मार्ट टीवी पर। एबीपी न्यूज़ आपको रखे आगे।